किसी ने हाथ उठाया, मंगाराम उड़ा डालेगा क्या इसको, इसका विकेट उड़ा के बाद में पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल एक किसी ऐसे ने ही हाथ उठाया ना करते तो कुछ होता है। आ जा भाई मंगाराम, मंगाराम हैं। रेस द लॉट किधर है? ब्रदर आया नहीं, वीडियो अभी देखिए हाँ दिख रहा है, बोलो बोलो। जी ब्रदर। ब्रदर मैंने आपको मैसेज किया था हाँ बोलो, आपका पीठ का लफड़ा था ना? अरे जी ब्रदर। मैं आपको कल ढूंढ रहा था यार प्लेटफॉर्म पे, पर सर आपने मेरे को पाकिस्तान मैसेज में भी ढूंढा, बाद में वसई में ढूंढा। मैं तो ये लोग को पूछ बोल रहा था भाई, हमारे मोबाइल पे आया था एप्लीकेशन, किसी का पीट का लफड़ा था। मैं तो पाकिस्तान में पूरा ढूंढ के खत्म हो गया, फिर इंडिया गया उधर भी ढूंढा। सर, है तो मैं इंडिया में ही हूँ, बट वो लिंक नहीं भेजा आपने कौन सा लिंक? सर। ये जूम मीटिंग का, हाँ जूम मीटिंग का अभी तो आप जूम पे ही है ना? नहीं, वो आज आपने भेजा सर, आज भेजा ना अच्छा ठीक है, आपका पीठ का लफड़ा है ना? जी सर जी। अरे आपको जूम का ज्यादा पड़ा है, पीठ का नहीं पड़ा है? सर अच्छा कौन किसको किसको ऑपरेशन करना है, कौन कौन करेगा डॉक्टर? नहीं जीसस नहीं नहीं हम हमारे इधर बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी है पाकिस्तान के है। किसको किसको ऑपरेशन कर किसको करना है? मुझे करना हाँ ग्रेस को तो जिस दिन से मिला ना ब्रदर जॉनसन, है। यस बॉस। एक ऐसा समय आएगा आपको आपकी बीवी घर पे नहीं मिलेगी। नहीं वो इधर उधर सब जगह पे ऑपरेशन करने के लिए निकलेगी, सवेरे मॉर्निंग से रात तक। ऐसा ही होगा भाई भाईजान तैयार है आप? जी। अच्छा ये बहन जो कुछ भी बोलती है आपको प्रार्थना नहीं करना है, ध्यान दे के सुनना है। और जो भी शब्द बोल रही है ना बराबर ध्यान दे के सुनना है, अगर अगर सुनाई नहीं दिया रोको वापस पूछना। और जो भी शब्द उनके मुंह से आ रहा है वो विश्वास वाला शब्द आ रहा है, तो वो आपके कान से जाएगा अंदर, कान के अंदर से जाएगा आपके पीठ के ओर जाएगा, और जो भी बिगड़ा हुआ है उसका ऑपरेशन कर देगा। और ये मेरा वादा है प्रभु यीशु के नाम से, जैसे ही ये प्रेयर खत्म, पीठ का दर्द खत्म। प्रेज गॉड जी सुना क्या भाई? तो ब्रदर। वो जो भी बोल रहा है उसको इमेजिन करना है, जब वो बोलती है प्रभु यीशु क्रूस लेकर चल रहे थे, आपको वो पिक्चर बनाना है। ठीक है तैयार है ग्रेस बहन? दोनों जी जी जन अपने अपने आंखों बंद कर, आंखें बंद कर दो और हम प्रार्थना करेंगे। बोलिए ए प्रभु यीशु, प्रभु यसु, मैं आपको बहुत धन्यवाद दे रही हूं, मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। मुझे बहुत मजा आ रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप मुझे बार बार अच्छी अच्छी सच्चाई सिखा रहे हो। क्योंकि आप मुझे बार बार सच्ची बातें सिखा रहे हैं। मैं भी ऑपरेशन करने सीखना चाहती हूं मैं भी ऑपरेशन करना सीखना चाहती हूँ। ए प्रभु यीशु, ऐ खुदावन यीशु मसीह, आपका वचन साम 22 14वां वचन, आपका वचन 24वां, 22 14 साम 22 और 14 कीर्तन साम कीर्तन में में जरूर लिखा है लिखा है, कि जब आप क्रूस पे टंगे थे आपके जब आप क्रॉस पे थे सारी हड्डियां आपकी सारी हड्डियां जोड़ से अलग हो गई थी, जिस्म से अलग हो गई थी। अगर हमारे बदन में एक हड्डी हट जाती है मगर हमारे जिस्म में एक हड्डी बढ़ जाती है, अलग अलग होती है, होती है बहुत 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 दर्द होता है। और बहुत बहुत दर्द होता है।
आपकी तो सारी की सारी हड्डियां आपकी तो सारी की सारी हड्डियां अलग हो गई थी, अलग हो गई, और ये सब कुछ, और ये सब कुछ आपने हमारे लिए किया था, आपने हमारे लिए किया था। ए प्रभु यीशु, ए खुदावन यीशु मसीह, आप जब क्रूस उठाकर चल रहे थे, आप जब क्रॉस उठा के चल रहे थे, आप जमीन पर गिर गए, आप जमीन पर गिर गए, और वजनदार क्रॉस आपके पीठ पर गिरा, और वचन का आप क्रॉस आपके पीठ पे गिर गया। बहुत दर्द था, बहुत दर्द था, उस दर्द के द्वारा, उस सांभर की तरह इस भाई के, इस आयत को, इस भाई के पीठ को, इस भाई की पीठ पर आपने इसी वक्त ऑपरेशन किया है, आपने उस वक्त ऑपरेशन किया। इस भाई के पीठ पे जो कुछ भी समस्या है, इस भाई की पीठ पे जो भी प्रॉब्लम है, वो सब आपने आपके पीठ पे ले लिए, वो सब आपने अपनी पीठ पे ले लिए, और आपके पीठ से, और आपके पीठ से, आपकी पीठ से, आपके जख्म से, आपके जख्मों से, ये भाई का पीठ बिल्कुल ठीक हो गया है, और इस भाई का पीठ बिल्कुल ठीक हो गया है। वो दुष्ट आत्मा जिसने इस भाई के पीठ को सताया है, वो गलत आत्माएं जो इसको सताया है, उस आत्मा को मैं बांध देती हूँ, उस आत्मा को मैं बांध देती हूँ, श्राप देती हूँ, उसको शराब देती हूँ, डांटती हूँ, ताकि डांटती हूँ, ताकती हूँ, देखती हूँ, और भगाती हूँ, और भगा देती हूँ। इसके शरीर से वो भाग गया है, और वो भाग गया है, इस भाई के शरीर से वो भाग गया है, इस भाई के जिस्म से वो भाग गया है, और ये भाई बिल्कुल मुक्त हो गया है, और ये भाई बिल्कुल मुफ्त हो गए। मैं अभी इसकी हड्डियों से बात कर रही हूँ, मैं अभी इनकी हड्डियों से बात कर रही हूँ, सारे के सारे हड्डियां, सारी की सारी हड्डियां जोड़ पे पहुंच जाओ, अपने अपने जोड़ पे पहुंच जाओ, अपने अपने जोड़ पे पहुंच जाए, और प्रभु यीशु के पवित्र लहू से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ, ये ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है, ये ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया, सारे के सारे हड्डियाँ, सारी की सारी हड्डियाँ, उनका अलाइनमेंट हुआ है, उनकी अलाइनमेंट हो गई है, सारे नर्व्स ठीक हो गए हैं, सारे नर्व्स ठीक हो गए हैं, और सारा दर्द निकल गया है, और सारा दर्द निकल गया है, प्रभु यीशु के नाम से, खुदावन्द यीशु मसीह के नाम से, आमेन, 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 आमेन। हाँ भाई, अभी खड़े हो जाओ, मुड़ो, सब जो करना है करो, मुड़ के देखो, कुछ नहीं है, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, कुछ नहीं है जी ब्रदर, ऑपरेशन सक्सेसफुल, थैंक यू जीसस, थैंक यू। कभी कभी आपने ऐसा सोचा क्या आपका ऑपरेशन डॉक्टर पाकिस्तान में करने वाला है? जी नहीं, यही तो बात है। ग्रेसबेन कैसा लग रहा है? बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा। जॉनसन भाई दुखी तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अभी धीरे धीरे सीखते सीखते दवा खाना डालने वाली है पाकिस्तान में। जरूर जरूर, आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। वचनों को लेकर करने से जाता है। कितने साल से था पीठ की बीमारी? सर 4 महीने से था। कितना? 4 महीने से। 4 महीने, ठीक है।